नमस्कार दोस्तों, आज हम धन, सफलता और प्रेम की कहानी कहने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान को अपने जीवन में धन चाहिए, सफलता चाहिए और प्रेम चाहिए। धन किसी के पास होता है तो सफलता नहीं होती, और सफलता भी होती है और धन भी होती है तो प्रेम नहीं होता। यह तीनों अगर किसी के पास है तो वह जीवन में बहुत ही उन्नतशील आदमी है। एक बहुत पुरानी कहानी है धन, सफलता और प्रेम की। एक गरीब महिला जो उस समय अपने घर में अकेली थी, उसके दरवाजे पे टक टक की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने तीन साधु खड़े हैं। उन्होंने कहा, उस महिला ने पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, देवी आज हम आपके घर पे भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा में हम आज आपके घर पे भोजन करना चाहते हैं। यद्यपि वो महिला गरीब थी, फिर भी उसने उनको बुलाया और कहा, आइए महाराज, आज आप हमारे घर पे जो रूखी सूखी है उसे खाकर जाइए। तो उन तीनों साधुओं ने कहा कि हम घर में आने के पहले ये जानना चाहते हैं, घर में और कौन है, क्या आपका पति है। उसने कहा, महाराज अभी हमारे बच्चे तो नहीं है, लेकिन पति गए हुए हैं बाहर काम करने के लिए, वो शाम तक आएंगे। तो उन साधुओं ने कहा, हमारा एक नियम है, जिस घर में महिला अकेली होती है हम नहीं जाते हैं, हम इंतज़ार करेंगे आपके पति के आने का, और आपके पति जब आ जाएंगे तब हम आपके घर में आएंगे और भोजन भी ग्रहण करेंगे। तो वह बाहर रुक गए और शाम तक महिला का पति आ गया। महिला ने उसे पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, बुला लीजिए, साधु आए हैं, साधु महात्माओं की हमें कदर करनी चाहिए, जाओ बुला लाओ। तो वह महिला आई और कही, महाराज आप लोग आइए घर में, मेरे पतिदेव आ गए हैं, मैं भोजन बनाती हूँ, आप लोग खाइए। तो उसमें से एक साधु ने कहा कि देखो, हम तीनों साधु भाई लोग हैं, मेरा नाम धन है, इसका नाम सफलता है, और उस तीसरे भाई का नाम प्रेम है, और हम तीनों का नियम है कि हम या तो पहले धन जाएगा या सफलता जाएगा या प्रेम जाएगा, हम तीनों साथ में नहीं जाते, तो तुम्हें किसको बुलाना है उसको बुलाओ पहले। तो वह महिला घर में गई और अपने पति से उसने विचार विमर्श किया। पति ने कहा, देखो हम लोग बहुत गरीब हैं तो हमें पहले धन को बुला लेना चाहिए, अगर हमारे पास धन होगा तो हमारे पास सफलता तो आ ही जाएगी। महिला ने कहा, विचार तो अच्छा है, लेकिन फिर कुछ सोचा और कहा, नहीं, हम सफलता को बुला लेते हैं, अगर हम सफल होंगे हर चीज़ में तो हमारे पास धन आ जाएगा। पति ने फिर कहा कि देखो, सफल होते होते ज़िंदगी बीत जाएगी और सफलता में बहुत मेहनत लगेगी, तब जाके हमें धन मिलेगा, इससे अच्छा हम धन मंगा लेते हैं, धन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, दुनिया का हर सुख धन आने के बाद मिल सकता है। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम धन और सफलता दोनों को बुला लेते हैं। पति ने कहा, ठीक है। वो महिला गई और उन्हें कहा, महाराज आप धन और सफलता दोनों जन एक साथ में आइए। तो उस दोनों धन और सफलता जिनके नाम थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों ने मिलकर प्रेम की तरफ देखा और तीनों वापस जाने लगे। तो महिला को कुछ समझ नहीं आया, महिला ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमें क्षमा करें, ऐसी क्या गलती हुई जो आप मेरा भोजन छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो हम तीन लोग हैं, धन, सफलता और प्रेम। जो भी व्यक्ति जिंदगी में सिर्फ धन और सफलता का लालच करता है और प्रेम जिसके पास नहीं होता है, हम वहाँ कभी नहीं जाते। हम ऐसे ही घूमते रहते हैं घर घर, और जो आदमी हमें धन और सफलता की कामना करता है हम उसके घर में नहीं जाते, और जहाँ प्रेम की कामना होती है वहाँ हम पीछे पीछे चले जाते हैं। महिला सुनकर ये बहुत पछताई, उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कही, महाराज मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए और प्रेम को ही भेज दीजिए, हम में प्रेम रहेगा तो हमें धन की भी ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने उसे माफ़ कर दिया, प्रेम गया और प्रेम के साथ धन और सफलता भी गई, और उस महिला के पास जीवन में संपन्नता आ गई। दोस्तों, कहानी में भी यही है, कहानी सुन के जो हमें यह समझ में आती है, जो लेने वाली बात समझ में आती है, कि हम कितना भी धन कमा लें, हम कितना भी सफल हो जाएं, अगर हमारे पास प्यार नहीं है तो यह धन और सफलता क्या करेंगे। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, लेकिन हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है, प्रेम करने वाली पत्नी नहीं है, प्रेम करने वाले बच्चे नहीं है, प्रेम करने वाला भाई नहीं है, प्रेम करने वाला रिश्तेदार नहीं है,
आपके पास धन हो के क्या होगा, धन से तो आप ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके पास प्रेम है तो आपके पास जो भी आपसे प्रेम करता है वो आपका हर कार्य में मदद करेगा, आपकी सफलता का कामना करेगा, आपके लिए दुआ करेगा। और अगर आपके पास प्रेम है, आप अपने परिवार में प्रेम से रहते हैं, तो सब लोग मिल के धन कमा लोगे और जो भी काम मिल के करोगे उसमें सफलता भी मिलेगी। इसलिए हर घर में प्रेम होना पहले ज़रूरी है, जब प्रेम होगा तो धन और सफलता भी आ ही जाएगी। तो ज़िंदगी में हमें भी पहले प्रेम पैदा करना है। ज़रूरी नहीं कि प्रेम अपने से ही करो, प्रेम पत्नी से ही करो, प्रेम पड़ोसी से हो सकता है, प्रेम दोस्तों से हो सकता है, प्रेम दूर के रिश्तेदार से हो सकता है, प्रेम चाचा के लड़कों से हो सकता है, प्रेम ससुराल से हो सकता है, प्रेम बहन के घर से हो सकता है, आपके जितने रिश्ते हैं वहाँ से प्रेम हो सकता है, अनजाने में हो सकता है। आप जहाँ जिससे प्रेम करोगे वह आपके लिए हर कुछ करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रेम के गुलाम सभी होते हैं। जीवन में अल्टीमेटली सभी को प्रेम चाहिए होता है। तो आप भी प्रेम के धन को कमाओ। जब प्रेम के धन को कमाओगे तो आपके पास धन और सफलता भी आ जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अभी का अभी लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा जो आपकी समझदारी को बढ़ाती रहेगी, आपको मोटिवेट रखेगी और ज़िंदगी में सही कदम बढ़ाने की तरफ आपको मदद करते रहेगी। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अलविदा।